अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बघाड़े बैंगन, और मैंने बैंगन 1 किलो ले लिया। ठीक है, बघाड़े बैंगन में जो इस्तेमाल होगा, सौंफ 1 चम्मच, मूंगफली 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, तिल 1 चम्मच, रायदाना 1 चम्मच, और मेथी दाना 1/2 चम्मच, खोपरा आप 2 चम्मच भी ले सकती हैं लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है, और धनिया 1 चम्मच, और ये खसखाश 1 चम्मच है, लेकिन इसको मैंने पहले थोड़ा सा पानी में भिगो के छान लिया है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी हसब ज़रूरत, और गरम मसाला 1/2 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और नमक हसब ज़रूरत, 2 अदद प्याज, और 4 या 5 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और 3 टमाटर। ठीक है, ये अब इसको मैं पानी में भिगो के इसका पानी इस्तेमाल करूँगी, और 1/2 चम्मच मेरे पास चीनी है, और ये कड़ी पत्ता और साबुत मिर्च। सरसों का तेल लिया है, और ये गरम हो गया तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च। आप यहाँ चाहे तो इस वक्त आप लहसुन और अदरक भी साबुत डाल सकते हैं, लेकिन मैं तीखा हुआ डालूंगी। इनको लाल नहीं करना है, इनको सिर्फ इनका कच्चापन दूर करना है। और उसमें मैं ये टमाटर ऐड कर रही हूँ, टमाटर ऐड कर रही हूँ, और इसे टमाटर पानी ऐड कर रही हूँ, और इनको मैं थोड़ा देर के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर सारे नरम हो। इनके मैं सारे सबके छिलके निकाल लूंगी इस तरह करके। ठीक है, अब मैं निकाल ले रही हूँ मेन बॉल में। चूल्हा ऑफ कर देती हूँ और मेरे सारे निकाल लूँ। टमाटर और प्याज जो मैंने फ्राई किया था, और हरी मिर्च, और ये लहसुन का पेस्ट, और साथ में ये सारे मसाले। ठीक है, ये इसमें डाल दूंगी। ये डाल के मैं ग्राइंड कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें खसखास डालूंगी, और ये डालूंगी, और धनिया डालूंगी। धनिया डाल के इसे मैं अच्छी तरह पहले सारे मसाले डाल के, और इनको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। हल्की आंच पे भूनिएगा और अच्छे से भूनिएगा। अभी अच्छी तरह भून गया है, अब मैं इसे पीस लूंगी। ये सारे पेस्ट जो बनाए थे, प्याज
अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर, ये पेस्ट है सारे, ये पेस्ट को सारे डाल दूँगी। डालने के बाद ये सारे मसाले थे, सौंफ, सारे मसाले जितने भी थे वो सब मैंने अच्छी तरह भून के और वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं बैगन लिया, मैंने पहले बैगन नहीं काटा था इसलिए कि काले पड़ जाते हैं। बैगन लिया और बैगन को मैंने पहले से नहीं काटा था, अब मैं काट रही हूँ ये ऐसे करके और यहाँ तक, जड़ तक बिल्कुल नहीं काटना है। और इस तरह काटने के बाद मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी, इस तरह खूब अच्छी तरह से मसाले इसमें डाल के इस तरह डाल के और मैं इसको सारे बना लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इनको सारे बैगन को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह। इन सबको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। दो या तीन मिनट तक मैं इसको फ्राई करने के बाद मैं इनको मैं ढक दूंगी और ताकि इनकी जो ऊपर का हिस्सा है वो नरम पड़ जाए। अब ये देखिए नरम हो जाएगा है, इसको ये देखिए सब नरम हो गया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, पूरा बंद करके। और मैं इसको सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला मैंने, और साबुत मिर्च, जीरा, कलौंजी और राई दाना, ठीक है। थोड़ा डालने के बाद मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। अब इसमें मैं ये सारे मसाले जो मैंने बैगन में डाले और बाकी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और मैं अब इनको अच्छी तरह भूनूंगी।
जैसे ही इसमें घी तेल छोड़ देगा मैं इसमें बैगन ऐड कर दूंगी। ये जो मसाले थे ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इनको अच्छी तरह मैं भून लूंगी। मैं काफ़ी देर तक भूनती रही, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इनको मैं एक दम पे रख दूंगी जब तक ये बैगन ना गल जाए। ये देखिए अब बिल्कुल गल गया, ये देख रहे। अब इस वक्त मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो कचरी पाउडर डालें, लेकिन मेरे पास इमली है, मैं इमली डाल रही हूँ। ठीक है, एक दो तीन और ये चार, जो चलिए मैं पूरा ही डाल दूँगा। अब क्योंकि मैंने इमली डाला है तो इमली को बैलेंस करने के लिए मैं माइनर से इतना सा चीनी डाल रही हूँ। डालने के बाद मैं इनको मजीद पकने दूंगी। देखिए ये बड़े वाला है ना, ये भी देखिए बिल्कुल गल गया है। अब इन्हें मैं मजीद 5 मिनट और पकाऊंगी। ठीक है, बैगन बनके तैयार हैं। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।